बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अदील अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिविल सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा में जो कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की जो जॉब्स आई हुई थी उसके सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका सिलेबस क्या है, आपने तैयारी कहां से करनी है। इस बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सो मेरी छोटी सी वीडियो होगी, इसलिए आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पाकिस्तान में आने वाली लेटेस्ट जॉब और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये मैंने वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। जो ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये नीचे सिविल सेक्रेटेरिएट कंटेंट सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है उसका सिलेबस मौजूद है। ये सबसे ऊपर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इसका जो स्केल है वो BPS 16 है। इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से 20% क्वेश्चन आएंगे, इस्लामिक स्टडी से भी 20% क्वेश्चन आएंगे और पाकिस्तान स्टडी से भी 20% क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें से 40 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 20 जनरल नॉलेज के होंगे, 20 इस्लामिक स्टडी के होंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होंगे। ये ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसका सिलेबस है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर और आईटी से जो है वो 60 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, इस्लामिक स्टडी के 5 क्वेश्चन होंगे और पाकिस्तान स्टडी जो है उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसका रिटन टेस्ट नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट जो है उसका शॉर्ट हैंड का जो है टेस्ट होगा। तो ये सिलेबस है। अभी हम बात करते हैं कि आपने तैयारी से कहाँ से करनी है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस चैनल पर इस जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पास्ट पेपर है उसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर जो है टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में मैं वीडियोस चैनल पर अपलोड करूंगा, उन वीडियोस को भी वॉच करके आप टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्ले लिस्ट के सेक्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको जो है जनरल नॉलेज, ये देखें जनरल नॉलेज इंग्लिश, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये देखें जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और यहाँ पर ये आईटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्लेलिस्टें मौजूद हैं। इन प्लेलिस्टों में मौजूद वीडियोस को वॉच करके आप टेस्ट की तैयारी मज़ीद अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।